हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बाइनोमियल सीरीज़ के ऊपर। बाइनोमियल सीरीज़ हमारे सीरीज़ के चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो मैं आपको करवाई थी। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर, उसमें ये हमारा आखिरी आर्टिकल है बाइनोमियल सीरीज़, कि बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है। बाइनोमियल सीरीज़ भी पावर सीरीज़ की ही एक टाइप है। हम कह सकते हैं कि अगर टेलर सीरीज़ हम किसी फंक्शन की निकालें और उस फंक्शन की एक मखसूस शक्ल हो, तो उसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ किस तरह अप्लाई होगी। अगर हम इसको, मैं आपको रफली थोड़ा सा बताऊं तो इसमें क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने टेलर सीरीज़ निकालनी है किसी फंक्शन की, और उस फंक्शन की शक्ल कुछ इस तरह है। तो ऐसे फंक्शन की टेलर सीरीज़ को हम बाइनोमियल सीरीज़ का नाम देते हैं। लेकिन कब? अगर इसके ऊपर दो कंडीशन अप्लाई हो रही हो। पहली कंडीशन क्या हो इसके ऊपर, कि एक्स का अगर मॉड लें तो लेस देन वन आए, क्योंकि ये इस तरह ये कन्वर्जेंस पे पूरा पूरा उतरता है। अगर हम इसकी कन्वर्जेंस फंक्शन की फाइंड आउट करें तो वो तभी होती है जब एक्स का मॉड लेस देन वन हो। तो अगर टेलर सीरीज आपके पास किसी फंक्शन की है और फंक्शन की शक्ल कुछ इस तरह हो और इसके अंदर एक्स की मॉड लिया जाए तो उसकी वैल्यू वन से लेस हो और थ्री, इधर मैं लेट्स सपोज थ्री मैंने किया था, तो थ्री कोई भी नंबर होना चाहिए, एनी नंबर, आर्बिट्री कोई भी नंबर हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। टेलर सीरीज अगर किसी फंक्शन की निकालनी है और फंक्शन की शक्ल कुछ इस तरह हो, इसको अगर मैं ज़्यादा सही तरह से लिखूँ तो कुछ ऐसे होगा। इसके पावर को हम कह देते हैं एन। तो अगर वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन हो, तो एन कर लें या के कर लें या आपके अपने नोटिफिकेशन जो उससे मिलती है, आप नोटिफिकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको के करवा देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी एग्जांपल्स में भी के ही यूज़ किया है। तो वन प्लस एक्स रेज टू पावर के कर लें, एन कर लें, अल्फ़ा कर लें, कोई मसला नहीं। के यहाँ पे मैंने किया, के कोई भी नंबर हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, और एक्स का जो मॉड है वो लेस देन अगर वन हो, तो हम इसको क्या कह देते हैं, इसी टेलर सीरीज़ को हम बाइनोमियल सीरीज़ का नाम देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है, कुछ ये टेलर जो बाइनोमियल सीरीज़ को, जब हम इस पूरे को बाइनोमियल सीरीज़ का नाम देंगे, ये बाइनोमियल सीरीज़ कुछ कुछ मिलती है बाइनोमियल थ्योरम से। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स की बाइनोमियल थ्योरम था उससे ये सीरीज़ काफ़ी मिलती है। लेकिन उसमें क्या था, अगर हम वन प्लस एक्स रेज टू पावर के करते तो एक्स के ऊपर कोई कंडीशन ना होती कि एक्स लेस देन है, ग्रेटर देन है, इस पर कोई कंडीशन नहीं थी। इसको हम कहते थे बाइनोमियल थ्योरम। ये आपने किया होगा जब पिछली ग्रेड 12 ग्रेड में, 11 ग्रेड में, क्योंकि ये एमएससी के नोट्स हैं। तो एमएससी से पहले आपने बैचलर की डिग्री की होगी, बैचलर से पहले आपने एफएससी की होगी, तो एफएससी में बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज़ काफ़ी मिलता जुलता है। बस बाइनोमियल सीरीज़ में क्या होता है, एक्स के ऊपर कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन और जब एग्जाम्पल कराऊंगी तो आप देखेंगे कि जो भी मैं एक्स लूँगी वो लेस देन होगा वन से। तो बाइनोमियल सीरीज़ की सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन, जो आप अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए स्टेट बाइनोमियल सीरीज़, तो आपने क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे इफ़ के इज़ एनी नंबर एंड एक्स लेस देन वन, ये कंडीशन आपने लाजमी लिखनी है। दोनों कंडीशंस आ गई इस लाइन में कि अगर के कोई नंबर और एक्स लेस देन वन है, देन वन प्लस एक्स रेज टू पावर के विल बी इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिट के एन एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म को देखूँ तो ये पावर सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। तो पावर सीरीज़ को ही हम बाइनोमियल सीरीज़ का नाम देते हैं। मैंने अभी आपको बताया जैसे पावर सीरीज़ की आगे टाइप थी टेलर, मैकलोरियन, मैकलोरियन के बाद आगे बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या हो रहा है कि हम टेलर सीरीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्म क्या है, ये वाली। इस फॉर्म में जब टेलर सीरीज़ को एक्सपेंड कर दें तो उसको हम बाइनोमियल सीरीज़ का नाम देते हैं। तो अगर आपके पास के कोई नंबर हो और एक्स लेस देन, एक्स का मोड लेस देन वन हो, तो हम वन प्लस एक्स रेज टू पावर के को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास पावर सीरीज़ आ जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन कैसे करना है, फर्स्ट टर्म कैसे लेनी है,
जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आपने ज़ीरो को पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा वन, जहाँ जहाँ एन है वन पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के एक्स, जब एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के इंटू के माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स रेज टू स्केयर के इंटू के माइनस वन के माइनस टू थ्री फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी आप एक्सपेंड कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगी, जब आपने के एन करना है यहाँ पे, यहाँ ये जो नोटेशन होती है ये होती है कॉम्बिनेशन की, के कॉम्बिनेशन एन, के कॉम्बिनेशन एन का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू के माइनस वन के माइनस टू के माइनस एन प्लस वन ओवर एन फैक्टोरियल, और अगर यहाँ पे एन की जगह जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है वन, आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी वैल्यू आ जाती है वन। ये था हमारे पास बायनोमियल सीरीज़। बायनोमियल सीरीज़ क्या होती है मैंने आपको बताया, अगर टेलर सीरीज़ हम किसी फंक्शन की, इस फॉर्म के फंक्शन की निकालें जिसमें के कोई नंबर है, एक्स मोड लेस देन वन है, तो इसी सीरीज़ को हम कह देते हैं बायनोमियल सीरीज़। बायनोमियल सीरीज़ में आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए होगा, और इस फॉर्मूले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो के कॉम्बिनेशन एन की जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ये भी एक हिंट ही था एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको पता चले बायनोमियल सीरीज़ आपने किस फंक्शन की किस तरह निकालनी है। स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल, फाइंड बाइनोमियल सीरीज फॉर थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री। हमारे पास एक फंक्शन है थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री, इसकी हमने बाइनोमियल सीरीज निकालनी है। इसकी बायनोमियल सीरीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज़ की फॉर्म देखनी है कि क्या ये बायनोमियल सीरीज़ की फॉर्म है। तो अगर हम बायनोमियल सीरीज़ की फॉर्म देखें जो मैंने अभी आपको करवाई है, तो इसमें क्या था, वन प्लस एक्स रेज टू पावर के, वन पहली टर्म क्या थी आपके पास, जो अगर मैं इसको ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ तो जो आपके पास ए होना चाहिए वो होना चाहिए वन, और बी आपके पास एक्स की कोई फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए आ रहा है वो आ रहा है थ्री, और जो बी आ रहा है वो आ रहा है एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री है, इस टर्म में से थ्री कॉमन ले लेते हैं। जब हम थ्री कॉमन लेंगे तो इधर से थ्री कॉमन आ गया तो रह गया वन, प्लस इस टर्म के साथ थ्री नहीं है तो जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इस तरह निकलेगा, एक्स में डिवाइड में थ्री आ जाएगा और पावर वैसी। अब हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है ये बायनोमियल सीरीज़ की कुछ कुछ फॉर्म बन गई है, इसके ऊपर हम बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई नहीं कर सकते थे। मैं रिपीट करूँगी इस पॉइंट को, अगर आपके पास एग्जाम्पल में इस तरह की फॉर्म आ जाए और बायनोमियल सीरीज़ पूछा जाए, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ए होगा जो एक्स टर्म के अलावा जो भी नंबर होगा आपने उसको वन बनाना है। वन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको आप इस पूरी टर्म में से, इस स्टेटमेंट में से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पे थ्री था थ्री कॉमन निकाला, यहाँ पे वन रिमेनिंग रह गया, और जहाँ पे कॉमन अगर आपको थ्री नहीं मिल रहा तो आप उसकी टर्म में डिवाइड कर दें थ्री को, उसके डिनोमिनेटर में थ्री लिख दें तो उसमें से भी कॉमन थ्री आ जाता है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप थ्री को अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही फॉर्म बन जाएगी। तो ये था कॉमन निकालने का तरीका। अब आपने क्या करना है, थ्री रेज टू पावर थ्री, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों की पावर है थ्री, तो अगर हम दोनों को अलग अलग लिखें तो कुछ इस तरह लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वाली फॉर्म है ये हमारे पास बायनोमियल सीरीज़ इस पे अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये फंक्शन बायनोमियल सीरीज़ की एप्लीकेशन के मुताबिक बन चुका है। इसमें पहली टर्म वन है, जो दूसरी टर्म थी अगर इसका मॉड ले लें तो इसकी वैल्यू लेस देन वन आएगी, और इसकी जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है। तो अब हम इसके पर बायनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप लिखना है अप्लाइंग बायनोमियल सीरीज। जब आप अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर तो थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री,
इक्वल किसके आ जाएगा, 3 raised to power 3। ये क्योंकि एक नंबर है इस पे अप्लाई होनी ही नहीं, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और हम जिस पे अप्लाई करेंगे वो था ये फंक्शन। तो इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो किस तरह होगी समीशन, n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिट के n। तो यहाँ पे k क्या था, 3, तो मैं अभी आगे लिख दूँगी x raised to power m। तो यहाँ पे जब हम इसके पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म क्या आएगी, n इज 0 इन्फिनिट k, हमारे पास यहाँ पे पावर है 3, n वैसे ही रहेगा, और x यहाँ पे हमारे पास है x/3। तो हम इसकी जगह x/3 लिखेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म होगी वो हमारे पास x होगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने x डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर n लिखना है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लिखूँगी, n इज इक्वल टू 0। सबसे पहली टर्म क्या होगी, जहाँ जहाँ n है आपने इस जगह पे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3 combination 0। इसको हम पढ़ेंगे 3 combination 0, इसको आप 3c0 भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 3 n, n क्या है 0। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 1, 3 1 1। थर्ड टर्म क्या बनेगी, 3 2 2 up to 100 ऑन। यहाँ पे आगे टर्म्स बनती जाएंगे। अब हम इन्फिनिटी तक टर्म्स तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आप 3-4 टर्म्स निकाल दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी है, तो आपने 1 2 3 इसके आगे एक और एक्सपेंड करनी थी, और फिर आगे डॉट 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 लगाना था। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाए फाइंड बायनॉमियल सीरीज अप टू 3 टर्म्स, तो आपने 1 2 3 निकाल देनी है और आगे डॉट 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 लिख देना है। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पेपर पे कि क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर 4 टर्म्स पूछी जा रही है तो 4 टर्म्स निकालने के बाद डॉट 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 लगाना है। अगर 3 पूछी जा रही है तो 3 के बाद आपने प्लस डॉट 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 लगाना है। और अगर आपके पास कोई भी नाम पूछा जाए, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ना पूछा जाए, जनरली एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी, फाइंड बायनॉमियल सीरीज फॉर दिस फंक्शन, तो ये आपकी अपनी मर्जी आप कितनी टर्म्स निकालते हैं। तो 3 तो आपने निकालनी ही है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने लगे, 3 raised to power 3 का मतलब होता है 3 into 3 into 3, तो ये हो गया 27। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 3 combination 0 क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब एग्जांपल करेंगे तो आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है। 3 combination 0, k combination 0, इसका मतलब 3, हमारे पास 3 है k, तो 3 combination 0 क्या होगा, 1। जब भी k नीचे 0 आ जाएगा तो आपका आंसर हमेशा आएगा 1, आपने भूल जाना है k क्या था। k 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर उसकी कॉम्बिनेशन 0 के साथ बनी है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 combination 0 क्या आ जाएगा, 1। x/3 और इसकी पावर है 0। किसी भी टर्म की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर भी 1 ही होता है। 3 combination 1, अब हमने निकालना है 3 का combination 1। 3 combination 1 हमने निकालना था, तो 3 combination 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 3 combination 1 का मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ, जो कि कॉम्बिनेशन फार्मूला है। मैंने इसको इसलिए डिटेल में नहीं करवाया क्योंकि ये FSC का टॉपिक है, 3 combination 1। 3 combination 1 को हम किस तरह ओपन करते हैं, 3 factorial over 1 factorial, 3 minus 1 factorial। इसको अगर मैं आपको जनरल फॉर्म लिख देती हूँ, 3, इसको हम लिख देते हैं NCR, और NCR जो कॉम्बिनेशन फार्मूला है ये किसके इक्वल होता है, n factorial over r factorial n minus r factorial। जब भी आपको कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो आपने इस तरह उसको ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी ओपन हो जाता है, कैलकुलेटर पे आपने सिर्फ 3 और कैलकुलेटर पे जो बटन होता है सी का वो प्रेस करना, 2 लिखना है या 1 लिखना है, जो भी आपको पूछा जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करें। NCR आपने ये वाला फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे 3c1 है, 3 factorial 1 factorial, 3 minus 1 factorial विच इज़ इक्वल टू 3 factorial over, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 factorial इक्वल होता है 1 के,
थ्री माइनस वन का मतलब है टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल। इसको जब ओपन करेंगे थ्री टू वन टू वन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री। थ्री सी वन का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी एन सी आर का कोई भी फॉर्मूला ओपन करना है तो आपने बस जस्ट इसको वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। थ्री कॉम्बिनेशन वन इस तरह भी लिख सकते हैं, थ्री सी वन भी लिख सकते हैं। थ्री सी वन का हमारे पास आंसर क्या आ गया, थ्री। एक्स ओवर थ्री रेज टू पावर वन मतलब एक्स ओवर थ्री ही इसका आंसर होगा। थ्री कॉम्बिनेशन टू, थ्री कॉम्बिनेशन टू दोबारा से ये फॉर्मूला लगाएंगे, थ्री फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल, थ्री माइनस टू फैक्टोरियल। दोबारा से हमारे पास क्या आंसर आएगा, थ्री। तो हमारे पास क्या आया, थ्री कॉम्बिनेशन टू भी थ्री, और एक्स डिवाइडेड बाई थ्री का होल स्केयर है, तो एक्स का स्केयर भी होगा, थ्री का स्केयर भी होगा। मैं इसको ओपन कर रही हूँ, एक्स का स्केयर और थ्री का जब हम स्केयर लेंगे तो आ जाएगा नाइन प्लस अप टू सौ ऑन 27। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, वन इंटू वन करेंगे तो वन आएगा, थ्री थ्री कट गया एक्स प्लस थ्री से, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्केयर ओवर थ्री प्लस अप टू सौ ऑन। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है तो आप क्या करें, 27 को अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो 27 इंटू वन विल बी इक्वल टू 27, 27x, 27 को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊँगी थ्री अप टू सौ, तो ये 27, 27x प्लस थ्री से 27 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सौ। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन का फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। एक्चुअली में हमने क्या किया, हमने इसकी टर्म्स को एक्सपेंड किया टेलर सीरीज जिस तरह फंक्शंस में हम एक्सपेंड करते थे, लेकिन क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह की है तो हम इसी क्वेश्चन को कह रहे हैं बायनॉमियल सीरीज का क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। अब आपने क्या करना होगा, फाइंड करना, मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ें ऐड करवाऊंगी ताकि आपको उस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में कराएं तो मुश्किल ना हो। फाइंड बाइनोमियल सीरीज फॉर अंडर रूट नाइन माइनस एक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह की फॉर्म है उसकी। हमने क्या करना है, नाइन माइनस एक्स अंडर रूट फंक्शन के लिए बाइनोमियल सीरीज निकालनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी फॉर्म भी वो वाली फॉर्म नहीं है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करें। तो इसका आपने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। नाइन माइनस एक्स अंडर रूट है तो अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ, तो मैंने उसकी हाफ वैल्यू लगा दी। अब मुझे फर्स्ट जो था वो था ए, ए मुझे चाहिए वन। तो वन करने के लिए मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, नाइन को कॉमन निकाल लूँगा। तो नाइन को कॉमन निकालेंगे बाहर, अंदर रह जाएगा वन, क्योंकि एक्स के साथ नाइन नहीं था तो एक्स डिवाइडेड बाय नाइन हो जाएगा, और इसको हम हाफ एज इट इज़ लगा देंगे पावर। ये आपने ध्यान करना है, ये ना कि आप सिर्फ इस पे लगा दें और इस पे ना लगाएं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन निकाला है, इस पूरी के ऊपर पावर थी ये वाली हाफ, तो ये हाफ पावर रहेगी। नाइन हाफ मैं पावर्स को स्प्लिट कर रही हूँ, नाइन पे लग और इस टर्म पे अलग। तो नाइन हाफ का मतलब है अंडर रूट नाइन, अंडर रूट नाइन किसके होता है, थ्री के। ये हमारे पास आ गया है इसका फॉर्म का सिंप्लीफाई करके हमने जो इसको निकाल लिया है, ताकि हमारे पास इस पर बायनॉमियल सीरीज लग जाए। अब हम इस फॉर्म पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्म पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करूँगी, हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पर बायनॉमियल सीरीज जब एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी समीशन फॉर्म लिखेंगे। समीशन फॉर्म इसकी क्या बनेगी, वन प्लस माइनस एक्स ओवर नाइन, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ। अब आपने एक चीज़ और यहाँ पे नोट करनी है जो मैंने अभी किया है,
यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें था प्लस साइन, आपने देखा यहाँ पे था माइनस साइन, तो आपने यहाँ पे प्लस करना है और ये जो माइनस साइन है इसको इस टर्म के साथ इस तरह लिख देना जैसे मैंने लिखा है, ताकि हमारे पास बाइनोमियल सीरीज की जो फॉर्म है वो बन सके। वो फॉर्म क्या थी? ए प्लस बी। इसमें ये जो एक्स वाली फॉर्म थी, अगर इसका मॉड लें तो लेस देन वन आएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नाइन है। और यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो मैंने अंदर इसलिए कर दिया ताकि इसकी फॉर्म वही फॉर्म बन जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनिट हाफ एन माइनस एक्स ओवर नाइन रेज टू पावर एन। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल में किया था वैसे ही आप इसके ऊपर क्या करेंगे, पूरी की पूरी अप्लाई करेंगे फॉर्म। किस तरह? सबसे पहले आपने क्या करना है, एन जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे ज़ीरो अप्लाई करना है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म बनेगी हाफ कॉम्बिनेशन ज़ीरो माइनस एक्स ओवर नाइन रेज टू पावर ज़ीरो। सेकेंड फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, हाफ कॉम्बिनेशन वन माइनस एक्स ओवर नाइन वन। थर्ड टर्म हमारे पास क्या बनेगी, हाफ कॉम्बिनेशन टू माइनस एक्स ओवर नाइन रेज टू पावर टू प्लस अप टू सोना। फोर्थ टर्म भी निकाल सकते थे, आपकी अपनी मर्जी, आप जितनी मर्जी टर्म्स निकाल लें। तो मैंने प्लस अप टू सोन लगा दी, मैंने थर्ड वन टू एंड थ्री थ्री टर्म्स निकाली हैं। हाफ कॉम्बिनेशन ज़ीरो, मैंने आपको बताया था जब भी कॉम्बिनेशन में ज़ीरो के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो हमेशा आंसर आता है वन। इसकी पूरी पावर ही ज़ीरो है तो ये आ जाएगा वन, हाफ कॉम्बिनेशन वन। अब आपने हाफ कॉम्बिनेशन वन को जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा हाफ माइनस एक्स ओवर नाइन, क्योंकि माइनस एक्स ओवर नाइन है रेज टू पावर वन है, वन ऑड टर्म है, ऑड टर्म होती है तो माइनस साइन एज इट इज़ रहता है, तो माइनस एक्स ओवर नाइन रह जाएगा। हाफ कॉम्बिनेशन टू को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर आएगा, जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई एट इंटू माइनस एक्स ओवर नाइन स्क्वायर अप टू सोन। तो ये हमारे पास आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो कि मैंने इधर यहाँ पे ये और ये आंसर कैसे निकाला है, क्योंकि कैलकुलेटर पे जब आप डायरेक्ट करेंगे इसका लिखा आएगा मैथ एरर। तो आपने इसको किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टर्म निकाली थी हाफ कॉम्बिनेशन वन, तो किस तरह मैंने निकाली थी, आपने सिंपली क्या करना है, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्म बताई थी के एन वाली, तो यहाँ पे अगर आपके पास आता है हाफ वन तो आपने क्या करना है, वन आया इसका मतलब आपने जस्ट वन टर्म, सिर्फ पहली टर्म तक जाना है, ये पहली दूसरी तीसरी अप टू सो ऑन थी, तो आपने सिर्फ वन वाली टर्म तक जाना है। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, हाफ वन तक जाना है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ तक आना है आपने, बाकी टर्म्स को आपने निगलेक्ट कर देना है। एन फैक्टोरियल की जगह वन फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाली जो नंबर है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा हाफ। इसी तरह अगर मैं हाफ कॉम्बिनेशन टू निकालती हूँ तो ये कैसे आएगा, इसी फॉर्मूला में आपने टू कॉम्बिनेशन तक जाना है। तो पहली के साथ k की वैल्यू हाफ, सेकंड k की वैल्यू माइनस वन सेकेंड तक जाना है, ओवर n में क्या आ जाएगा टू फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू हाफ माइनस वन क्या होता है, माइनस हाफ डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई फोर डिवाइडेड बाई टू, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू है माइनस वन ओवर एट। इस तरह मैंने माइनस वन ओवर एट यहाँ पे, थर्ड ये जो मेरी टर्म थी इसमें जो कॉम्बिनेशन था इसकी जगह मैंने माइनस वन ओवर एट इस तरह यहाँ पे लिख लिया है। तो अगर आपके पास इस तरह हाफ में या थ्री बाई टू में इस तरह की पावर्स आए तो आपने ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपने वैल्यूज निकाल लेनी है। नेक्स्ट हम करेंगे इसको सॉल्व, हमारे पास क्या आएगा, थ्री सिंप्लीफाई करेंगे तो वन इंटू वन वन हाफ इंटू माइनस एक्स ओवर नाइन, ये किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स ओवर नाइन टू सर एटीन। इसी तरह आगे हम जाएंगे प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर ओवर नाइन का स्क्वायर आ जाएगा एटी वन प्लस अप टू सौ। इसको हम मिलकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा,
थ्री इंटू वन माइनस एक्स ओवर 18 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 इंटू 81 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है अब अंदर हर टर्म्स के साथ। तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स ओवर 3 से 18 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो रह जाएगा 6, क्योंकि 3 6 और 18 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 को 81 इंटू 8 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 3888 आंसर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। इसको अभी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये गलत है। 8 इंटू 81 648 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आएगा 216। यहाँ पे हमारे पास आएगा 216 प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये जो फाइनल आंसर है इसका क्या बनेगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, माइनस एक्स ओवर 6 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 216 माइनस अप टू सो ऑन। आगे आपकी टर्म्स चलती जाएंगी, ये आपके पास फाइनल बायनोमियल सीरीज का आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर बायनोमियल सीरीज के ऊपर, इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जांपल में मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।